एक क्रीम सेक्शन पंप से आज ये चेंज केक बनाएंगे। तो गैस हमने ये स्पंज लिया हुआ था 1 पाउंड का। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ना प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलती रहे। तो गैस अच्छी तरीके से छिल के ऊपर नीचे इसके 4 लेयर करेंगे। और इसमें ये अभी स्वीट मैट जो रिच कंपनी का आता है ब्रेड को सॉफ्ट के लिए और टेस्ट के लिए, और ये विप क्रीम। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी क्रश, फिर अभी फ्लेक्स निकाला था मैंने स्ट्रॉबेरी कंपाउंड का। जिस तरह डार्क कंपाउंड होता है उस तरह स्ट्रॉबेरी कंपाउंड भी आता है, तो इसको मैंने निकाल लिया था। और फिर ये मिल्क में डाला हमने, फिर लेयर कर लिया। इसके बाद फिर ऊपर स्वीट मैट, फिर साइडों में कटिंग, आराम से कर लूँगा इस कटिंग। और कटिंग में ध्यान देना होता है, अगर कटिंग बराबर होगा तो केक में क्रीम भी कम लगेगा और आइसिंग भी बहुत जल्दी होगी और आराम से आसानी से हो जाएगी। तो ये मैं डोम शेप करना है इसको, इसीलिए मैं कॉर्नर काट दे रहा हूँ इसका। फिर इसके बाद बटर पेपर से डोम शेप की तरह शेप दूंगा। तो बटर पेपर से एक बराबर बिल्कुल जा रहा है अच्छी तरीके से, इसीलिए फिर ये साइडों से जो कटिंग काट के, और क्रीम, और इसमें क्रीम ज़्यादा लगती है। नॉर्मल केक में जो क्रीम लगती है उससे ज़्यादा इसमें लगती है क्रीम, क्योंकि अभी इसमें होल भी बनाएंगे तो इसमें क्रीम निकलेगा अभी आइसिंग करने के बाद। और इसमें वीडियो थोड़ा यहाँ फास्ट नहीं करूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से देखें, इसीलिए। तो वह जो सेक्शन पंप होगा उसका मैं लिंक आपको आपको अगर आपको बाय करना होगा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो अमेजोन या कहीं से भी। सेक्शन पंप से आप वैसे भी सर्च मार सकते हो। तो ये केक आइसिंग हो चुका है ऊपर का, साइडों में बराबर बिल्कुल करेंगे। फिर ये गर्म पानी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ हल्का, देखिए कॉर्नर कटिंग करके कोना निकल के। फिर जब होल करेंगे इसमें तो आपको हाथ स्टेबल रखना है बिल्कुल, और ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए जो स्टैंड है अपने घूमने, बस सोलो ही रहना चाहिए और आराम आराम से बिल्कुल हाथ को स्टेबल रखना है बिल्कुल, ज़्यादा ही लेना। और फिर और गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहना है इसमें, ज़्यादा भी नहीं करना गर्म पानी का, क्रीम गर्म हो जाएगी। तो गाइस बिल्कुल गड्ढा मैंने कर लिया होल। फिर इसके बाद बीच वाले में वैसे ही किया जाए, उसे उल्टा करेंगे उससे जैसे किया था। तो क्रीम की जो जो बीच में जो क्रीम होगा उसको निकाल देंगे अभी। फिर स्क्रैपर जो चोकर गार्निशिंग बनाते हैं, जो स्क्रैपर इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रैपर है ये वाली, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी ग्लेज, आप इसमें कोई सा भी ग्लेज डाल सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रॉबेरी केक है तो स्ट्रॉबेरी ग्लेज भी। फिर गाइस ऊपर वाले भी हल्का दबाना है, हल्का नीचे वाले दबाना है, इस तरह के दोनों को मिलाना है, ज्वाइंट करना है क्रीम को, और हल्का हल्का गर्म पानी भी। गर्म पानी पानी इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि फिनिशिंग रहेगा गाइस। देखिए नीचे वाला भी ऊपर वाला भी दोनों साइड का मिक्स करें। मैं फास्ट कर दे रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा। स्क्रैपर को थोड़ा सा मोड़ के यहाँ घुमाएंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से करना होता है। फिर ग्लेज जिसमें साइड में ऊपर में, देखिए ये पंप है, इसका नाम है क्रीम सेक्शन पंप। और इसमें 3 पंप आते हैं, मोटे पतले छोटे, और स्क्वायर भी आती है जो इसको बोले। तो क्या ये गर्म पानी से इसको अच्छी तरीके से धो के और फिर भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब
हमें इसको क्रीम के अंदर डालेंगे तो इसको दबा के रखेंगे, इसको दबा के रखेंगे, और जब डालेंगे आधा उसके बाद हाथ को मुट्ठी के खोल देंगे, फिर इसको जो एयर होगा एयर से इसको क्रीम को खींच लेगा। देखिए दिख रहा हो आपको, खींच लिया एयर, ये हो गया। तो इसमें हाथ को स्टेबल रखना है बिल्कुल। देखिए देखिए पंप को दबा के इसको अंदर डाला और फिर छोड़ दिया हाथ को, मुट्ठी को। देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक केक रेडी हो चुका है, इसके बाद गार्निशिंग साइडों में। तो अगर आपको गार्निशिंग का वीडियो देखना होगा तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, वीडियोस बहुत सारे गार्निशिंग के वीडियो मिल जाएंगे आपको, सबका वीडियोस मिल जाएगा आपको, फैन का और मैट का। तो आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस।